हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास. आवर चैप्टर इज द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज गोइंग ऑन एंड इन व्हाट वी हैव सीन इन आवर लास्ट क्लास. इन आवर लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें अपन ने सॉलिड स्टेट के बारे में अपन ने बात किया था. एंड वी हैव ऑल्सो स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स. ओके, सो नाउ टुडे वी हैव इज नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज लिक्विड स्टेट. सो आवर टुडेज टॉपिक इज द लिक्विड स्टेट. देन लिक्विड स्टेट. ओके, सो आवर टुडेज चैप्टर इज सॉरी टुडेज टॉपिक इज the liquid state. Okay, we have seen about the liquid solid state, and now we have is the liquid state. Understand? So as I told you, in activities ke through apan is topic ko, is chapter ko acche se study karenge. Theek hai? So according to this in this topic also we will discuss about one activity. Okay, to ye jo activity hai isko apan dekhenge aur samjhenge jo liquid state hai uske bare mein. Understand? So now कलेक्ट सम आइटम्स, कुछ आइटम्स अपन कलेक्ट करेंगे, कुछ मेटल्स, कुछ अपने मटेरियल हैं, कुछ मैटर अपन कलेक्ट करेंगे, लाइक वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क. ओके, वाटर हो गया, कुकिंग ऑयल, मिल्क. ओके, नेक्स्ट जूस. ओके, कोल्ड ड्रिंक. ठीक है, तो ये सारे जो भी अपने हो गए. ओके, एक्सेट्रा, ये सारे मटेरियल अपन लेंगे. और ये मटेरियल अपन ने क्यों लिया, सो दैट इन पे अपन एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, तो इस एक्टिविटी को करने के लिए अपने पास अपन क्या करेंगे, थ्री डिफरेंट शेप्स के जो भी अपने पास में बीकर हैं, बीकर्स को अपन ले लेंगे. ओके, तो ये डिफरेंट शेप्स के अपने पास में बीकर हो गए. ओके, तो ये अपने क्या हो गए, थ्री डिफरेंट शेप्स के अपने पास में बीकर हो गए. ओके, और एक अपन क्या लेंगे इसमें, मेजरिंग सिलेंडर इसमें लेंगे. ओके, और अपन इसमें क्या करेंगे, जो अपना ये जो बीकर अपन ने लिया है उसको अपन मार्क कर देंगे कि ये इसका क्या हो गया, 50 ml. नेक्स्ट इसका ये जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, 50 ml. ओके, नेक्स्ट ये इसका क्या हो जाएगा, 50 ml. अपन ने मार्क कर दिया कि ये 50 ml कहाँ पे होगा. ठीक है, अब अपन ने ये अपने पास में जो भी अपने पास मैटर है, ये जो भी सबस्टेंसेज हैं, इन सबस्टेंसेज को अपन वन वन करके लेंगे और इनको क्या करेंगे, जो मेजरिंग सिलेंडर है उससे मेजर करेंगे. इन सब की अपन क्या करेंगे, अमाउंट लेंगे इसमें. जैसे फर्स्ट अपन ने पहले लिया वाटर. ओके, तो वाटर को अपन क्या करेंगे, जैसे वाटर अपन ने 50 ml लिया, फिर इसको अपन ने क्या किया, इसमें डाला, तो ये इस तरह से फिल हो जाएगा. ठीक है, 50 ml लिया, देन ऑब्वियसली ये 50 ml जितना अपन ने मार्क किया उस मार्क तक आएगा. इसी टाइप से अपन ने नेक्स्ट जो बीकर है वो लिया. ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, जितना अपन ने 50 ml मार्क किया, क्योंकि इसकी वॉल्यूम जो है वो अपने को ये देखनी है कि इसकी वॉल्यूम किस तरह से कैसे होती है. और नेक्स्ट अपन ने जो लिया वो भी अपन ने क्या हो गया, इस तरह से इसके अपन ने पहले क्या किया, वाटर को इस कंटेनर में जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जिसकी है, इस फ्लास्क में अपन ने डाला, फिर इस बीकर में अपन ने डाला और फिर इस कंटेनर में. आप इन पिक्चर्स को देख पा रहे हो, तो आप इन पिक्चर्स को देख के इजीली ये समझ पा रहे हो कि आपके ये जो कंटेनर अपन ने लिए हैं, ये कंटेनर क्या हो गया, इनकी जो शेप है वो सबकी डिफरेंट है. ओके, तो अपन ने जैसे वाटर को लिया, वाटर को पहले इस कंटेनर में डाला, फिर इस कंटेनर में डाला, फिर इस कंटेनर में हो गया. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट अपने पास में है कुकिंग ऑयल. ओके,
तो फिर उसको अपन ने देखा, इसमें डाला, इसमें डाला और इसमें डाला, ठीक है, वो भी आराम से पॉर हो जाएगा। ओके, अपन ये देखेंगे। अब देखो अपन क्या करेंगे, इन सभी अपने जो भी सबस्टेंसेज है, तो अपन क्या करेंगे, इनको ये देखेंगे कि पहले अपन अगर इनको फोर्स पे डालते हैं, अपना जो फोर्स है, अगर उस फोर्स पे अगर आप इन सभी कंटेनर को, चाहे वाटर हो, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी हो, ठीक है, तो इन कंटेनर को अपन फोर्स पे डालते हैं, तो क्या इनमें चेंजेस होगा, क्या ये फ्लो करेंगे या फिर ये एक जगह पे स्टेबल हो जाएंगे, इनमें क्या चेंज होगा, अपने को ये देखना है कि जब आप फोर्स पर डालते हो तो ये फ्लो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और आपको ये देखना है कि ये जो भी लिक्विड्स अपन ने लिए हैं, जब आप 50 ml सिलेंडर इसमें सिलेंडर से आप ले रहे हो, तो 1 by 1 इसमें आपको देखना है, आपको ये देखना है कि क्या ये सभी जो भी अपने सबस्टेंसेज हैं, क्या ये सभी 50 ml तक ही फिल होंगे, ये आपको देखना है। फिर आपको ये देखना है कि क्या इनमें जो लिक्विड्स है, क्या ये लिक्विड सेम रहते हैं या फिर इनका जो चेंज है, जैसे 50 ml अपन ने लिया, अगर कहीं कुछ, जैसे क्या ऐसा होता है क्या कि ये कोई अपने पास में यहीं तक रह गया, ठीक है, कोई सबस्टेंस यहाँ तक रह गया, 50 ml लिया, फिर भी जैसे कोई सबस्टेंस है वो, मतलब किसी से ये पूरा फिल हो गया, किसी से ये हाफ रह गया, ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। और इन कंटेनर्स की जो शेप है उसका क्या इफेक्ट इस पे होता है, तो इस तरह से जब अपन इसको देखेंगे, तो अपन ये देखेंगे कि 50 ml तक ही ये आता है, 50 ml तक ही कोई भी, जैसे अपन ने पहले वाटर लिया, फिर कुकिंग ऑयल लिया, फिर अपन ने मिल्क लिया, ठीक है, तो जैसे ही अपन इन कंटेनर्स में डाल रहे हैं, जब अपन इनको फ्लो करके देखेंगे, अपनी जो फ्लोर है, ठीक है, तो उस पर जैसे ही अपन इनको डालेंगे, तो इनमें क्या होता है कि ये एक जगह पे स्टेबल नहीं होंगे, ये फ्लो करने लग जाएंगे, क्योंकि इन कंटेनर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू, इस तरह से इनमें क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, इनके जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, उनमें इस तरह से कुछ स्पेस होता है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं। तो जैसे ही अपन इनको डालेंगे, तो ये क्या होंगे, सेपरेट तो नहीं होंगे, बट ये क्या करेंगे, इतनी इनके अंदर स्ट्रेंथ है कि एक दूसरे को बाइंड करके रखें, ओके, तो ये सेपरेट तो नहीं होंगे, बट ये एक साथ में फ्लो करने लग जाएंगे, इनके ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्लीप हो जाते हैं, ओके, इनके पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, स्लीप हो जाते हैं, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल्स अपन ने देखा, फ्लोर पे अपन ने डाल के देखा, तो ये फ्लो करेंगे, स्लीप हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए अपन ये कोई भी सबस्टेंस अपना लेंगे, कुछ भी अगर अपन इसमें डालेंगे, तो ये क्या करेगा, आराम से आप वन कंटेनर से अदर कंटेनर में इस सबस्टेंस को पोर कर सकते हो, इसको इसमें डाल सकते हो। जैसे आपने पहले इस कंटेनर को फिल किया, फिर इस कंटेनर से अगर आप ट्राई करोगे इसमें डालने के, तो ईजिली ये फ्लो हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पे भी फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी फ्लो हो जाएगा, ठीक है। फिर इस कंटेनर से जब आप इसमें करोगे, तो ये इसमें भी ईजिली फ्लो हो जाएगा, ओके, अंडरस्टैंड। तो ये अपना क्या हो गया, इस तरह से अपन इन कंटेनर्स में इन सभी सबस्टेंसेज को ट्रांसफ़र ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अपन ने ट्रांसफ़र किया, तो एक तो अपन ने देखा कि ये क्या हो रहा है, आराम से फ्लो हो रहा है, ओके, और इनकी जो शेप है, जैसे अपन ने पहले इस कॉनिकल फ्लास्क में डाला, तो ये इस शेप का बन गया, इसकी शेप जो है वो इस तरह से बन गई। फिर अपन ने देखा नेक्स्ट बीकर, अपन ने देखा तो बीकर की शेप भी इस तरह से बन गई, ओके, नेक्स्ट अपन ने देखा तो ये इसकी शेप जो है वो इस तरह से बन गई, अंडरस्टैंड, ओके। तो ये क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के जो कंटेनर में अपन ने डाला इन डिफरेंट सबस्टेंसेस को, तो ये जिस कंटेनर में अपन ने डाला उसी कंटेनर की शेप इनकी हो गई। इट मीन्स इनकी शेप तो चेंज हो रही है, लेकिन इनका जो वॉल्यूम है, इट मीन्स ये भी 50 है, ये भी 50 ml है, ये भी 50 ml, तो इनका वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, अंडरस्टैंड। तो ये एक्टिविटी करने के बाद में अपन ये देखेंगे कि जो भी अपना लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड सबस्टेंस जो भी हैं, तो उनका वॉल्यूम जो है वो तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इट मीन्स वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम क्या रहेगा इनका, फिक्स रहेगा, वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये कैसे अपन ने देखा, क्योंकि अपन ने इस कंटेनर में लिया तब भी ये 50 ml है, नेक्स्ट कंटेनर में लिया तब भी 50 ml, नेक्स्ट कंटेनर में लिया तब भी इनकी 50 ml है, बट अपन ने देखा अभी ये इस शेप में, फिर ये इस शेप में हो गया, और फिर ये नेक्स्ट शेप में हो गया, तो इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, शेप नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, इनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है, बट इनका जो वॉल्यूम है तो ये 50 ml, तो वॉल्यूम तो इनका क्या हो गया, सभी में चाहे किसी भी कंटेनर में आप डालो, वॉल्यूम क्या इनका सेम है, लेकिन इनकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। तो इस
एक्टिविटी से अपन ने कुछ देखा इन पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो सब अपन ने देखा, और इन अपन ने देखा कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है और शेप इन लिक्विड्स की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। अंडरस्टैंड? सो ये तो अपनी हो गई इस एक्टिविटी के बारे में। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट। कुछ चीज़ें आपको कुछ समझ में आया होगा इस एक्टिविटी से। अभी अपन देखते हैं कि एक्चुअल में जो अपना लिक्विड स्टेट है किसी भी कंटेनर का, किसी भी मटेरियल की जो लिक्विड स्टेट है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। ओके, कैसे अपन लिक्विड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप लिक्विड को डिफाइन कर सकते हो। ओके, सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट। सो कौन कौन से कैरेक्टर शो करते हैं। नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट। ओके, लिक्विड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। तो इन लिक्विड के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट वी हैव इज, तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अपना क्या हो जाएगा, लिक्विड liquids have fixed volume. liquids have fixed volume. तो liquids जो है उनकी volume जो है वो क्या होती है, fix होती है। okay, and liquids has a definite or a fixed volume. okay, and next we have is liquids जो है उनकी volume क्या होती है, fix होती है। next we have is liquids have no fixed shape, जैसा कि अपन ने देखा अपनी इस activity में। so liquids have no fixed shape. तो इन लिक्विड्स की जो शेप है वो क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। जैसे कि अपन ने देखा कॉनिकल फ्लास्क में जब अपन ने लिया तो वैसा शेप का हो गया, ठीक है, और बीकर में अपन ने लिया तो इस शेप का हो गया। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विड्स, ओके, आर नेक्स्ट कैरेक्टर इज लिक्विड्स हैव lower density. liquids have lower density than solids. okay, it means that जो liquids हैं उनकी जो density है वो क्या होती है, solids से liquids have lower density than solids. next we have is intermolecular forces are lower. okay, intermolecular forces of liquids, intermolecular forces of liquids are lower, are weaker भी आप इसको बोल सकते हो, lower भी बोल सकते हो, weaker than solids. okay, तो solid से इनके जो intermolecular forces है वो solid से weak होते हैं। solid में क्या होते हैं, strong होते हैं, इसमें weak होते हैं। next we have is liquids are, ये अपन जब compare कर रहे हैं, ठीक है, अपन इनको सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं तो इस तरह से अपने को सॉलिड और इन दोनों को अपन साथ में इजीली समझ सकते हैं। सो लिक्विड्स आर स्लाइटली स्लाइटली कंप्रेस्ड
लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेस्ड. ओके, तो लिक्विड्स जो है वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, फिर आप कंप्रेस बोल सकते हो. ओके, कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स, देन सॉलिड्स. ओके, सो दिस इज द फिफ्थ कैरेक्टर. नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विड्स डिफ्यूज इजीली देन लिक्विड्स डिफ्यूजेस डिफ्यूज इजीली. लिक्विड्स डिफ्यूज इजीली देन सॉलिड्स देन सॉलिड्स देन सॉलिड्स. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज दिस इज आवर सिक्स एंड देन नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लो लेवल. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विड्स फ्लो. अपन ने बात की ना इस एक्टिविटी में कि ये इजीली अपन दूसरे कंटेनर में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जब फोर्स पे अपन ने डाला तो ये फ्लो करते हैं. ओके, सो लिक्विड्स फ्लो हायर लेवल लोअर टू लो लेवल. ओके, सो ये अपने हो गए इसके कुछ कैरेक्टर्स. अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट वी हैव इज लिक्विड्स हैज. अब अपन इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे. लिक्विड्स हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम. ओके, तो लिक्विड जो है उसकी वॉल्यूम तो क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है. ठीक है, जितना जैसे आपने ये देखा होगा 1 लीटर अगर आप किसी को मिल्क डाल रहे हो, ठीक है, तो 1 लीटर आपने मिल्क डाला तो जब आप उसको बकेट में रखोगे तब भी 1 लीटर है. ठीक है, जब आपने किसी बड़े कंटेनर में रखा तब भी 1 लीटर ही है. ओके, तो इस टाइप से इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हुआ. जैसे अपने अपनी इस एक्टिविटी में देखा था किसी भी कंटेनर में आप डालो तो इसका वॉल्यूम तो क्या है, फिक्स ही है, 50 ml ही रहेगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप. तो जिस भी कंटेनर में आपने डाला इसको उसी कंटेनर की शेप इसने ले ली, इट मीन्स इसकी शेप तो फिक्स है ही नहीं. ठीक है, अगर आपने इसको बॉटल में डाला तो बॉटल की शेप इसने ले ली, अगर आपने इसको पतीले में डाला तो पतीले की शेप ले ली, अगर आप इसको किसी और कंटेनर में डालोगे तो ये उसकी शेप ले लेगा. ओके, इट मीन्स दैट इसकी जो शेप है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती. लिक्विड की शेप जो है वो बिल्कुल फिक्स नहीं होती. नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स. इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, लोअर होती है. सॉलिड से अपन ने उसमें देखा था कि जो वो इस तरह से डेंस होते हैं, इस तरह से पूरी तरह से अटैच होते हैं. ओके, जो सॉलिड्स हैं वो इस तरह से अटैच होते हैं, उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, तो क्या होते हैं, मोर डेंस होते हैं. लिक्विड सॉलिड्स जो है वो मोर डेंस होते हैं, बट लिक्विड्स क्या होते हैं, इनमें कुछ स्पेस होता है, एक दूसरे को बाइंड किए हुए होते हैं बट उनमें कुछ स्पेस होता है. डेंसिटी उनकी ये थोड़े से लूज होते हैं. ओके, तो सॉलिड्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड. तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, उनमें थोड़ा सा स्पेस होता है, एक दूसरे को लूज करके रखते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ लिक्विड आर वीकर. और ये लूज होते हैं इसीलिए इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो क्या होता है, वीकर होता है देन सॉलिड्स. सॉलिड्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट लिक्विड्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होता है, वीक होता है, थोड़ा वीक होता है अगर कंपेयर करें अपन सॉलिड से. लेकिन अगर अपन गैस की बात करें तो गैस से तो क्या हो गई, लिक्विड्स के मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो गया, बट सॉलिड से अगर कंपेयर करते हैं तो सॉलिड से क्या होते हैं, ये वीक हो गया. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स. ओके, तो सॉलिड को तो आपने अपन ने देखा कि जैसे मार्कर है तो ये क्या सॉलिड है, जब आप इसको प्रेस करने की कोशिश करोगे तो आप इसको प्रेस नहीं कर पाओगे. अंडरस्टैंड. बट आप जो लिक्विड्स हैं इनको ये क्या होते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, इनको आप हल्का सा कंप्रेस कर सकते हो. आप देखना कभी जैसे बैलून में आपने वाटर फिल किया हुआ है. ओके, बैलून में आपने क्या किया, वाटर फिल किया, उस पूरे बैलून में आपने वाटर डाला हुआ है, तो आप जब उसको इस तरह से प्रेस करोगे तो जहाँ आपने फिंगर डाली ना उतना उसमें स्पेस बन जाएगा, आप उसको आराम से प्रेस कर सकते हो. इस तरह से आप कुछ और लिक्विड भी ले सकते हो, जैसे बॉटल, आपकी वाटर बॉटल है, नॉर्मल जो वाटर बॉटल प्लास्टिक वाली होती है, जब आपने उसमें वाटर डाला हुआ है तो जब आप उसको प्रेस करोगे तो वो इजीली प्रेस हो सकती है. लेकिन जब अगर उसमें आपने आइस
आपने उसमें बर्फ़ जमा ली, ठीक है। जैसे अगर आपने वाटर से फिल करके उस बॉटल को आपने अपने रेफ्रिजरेटर में रखा, ठीक है, तब आप उसको तब वो किस फॉर्म में हो गई, अभी आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो जब आप उसको प्रेस करने की कोशिश करोगे तो आप उसको प्रेस नहीं कर पाओगे, ओके। इट मींस दैट आप सॉलिड्स को प्रेस नहीं कर पाओगे, बट अगर कंपेयर करें सॉलिड से लिक्विड का, तो सॉलिड की बजाय लिक्विड को आप हल्का सा कंप्रेस कर सकते हो, उतना तो नहीं बट आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, ओके। स्लाइडली कंप्रेसिबल होते हैं ये, क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं अपने जो लिक्विड्स हैं वो। नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विड्स आर डिफ्यूज इजीली देन सॉलिड्स, ओके। और जो लिक्विड्स हैं वो आप उनको क्या कर सकते हो, इजीली डिफ्यूज कर सकते हो। सॉलिड को क्या होता है, जब आप सॉलिड्स को डिफ्यूज करोगे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, बट अगर आप लिक्विड्स को डिफ्यूज करोगे तो आप ज़्यादा उनको इजीली डिफ्यूज कर पाते हो, बजाय किसके, सॉलिड्स के। तो सॉलिड को आप इतना इजीली डिफ्यूज नहीं कर पाओगे, बट लिक्विड्स को आप इजीली डिफ्यूज कर पाओगे, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विड्स फ्लो हायर लेवल टू लोअर लेवल। आपने देखा होगा जब भी वाटर फ्लो होता है या फिर स्पेशली रेनफॉल, अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है, ओके, तो आपने इसमें देखा होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हाई एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ऊंचाई पे कोई एरिया होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाटर है वहाँ पे रुकता नहीं है, वो उसके आसपास में जो भी उसके पास में जो भी उसके नीचे की तरफ जो लो लेवल है उसमें ये फ्लो कर जाता है, ओके, अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गए अपने कैरेक्टर, सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिक्विड, ये सारे किसके कैरेक्टर हो गए, लिक्विड। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, लिक्विड्स को इजीली अपन डिफाइन कर सकते हैं, लिक्विड्स को इजीली अपन समझ सकते हैं, ओके। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट लिक्विड स्टेट एंड देयर कैरेक्टर्स, ओके। सो इनफ फॉर टुडे, आर फर्दर चैप्टर वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।